दोस्तों, खाने पीने की चीजों में लोग अक्सर नए टेस्ट तलाशते हैं और दुनिया के बाहर नॉनवेज के दीवानों की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। लेकिन नॉनवेज में चिकन फिश, यहाँ तक कि चाइना में होने वाला डॉग मीट फेस्टिवल में खाए जाने वाला डॉग भी ठीक है, पर इससे भी ज्यादा बियर दुनिया के कई देशों में कुछ ऐसे सबसे गंदी, रुकी गंदी नहीं बल्कि सबसे घिनौनी चीजें खाई जाती हैं, जिसे खाना तो दूर, एक बार नाम ही सुनकर उल्टी आ जाए। लेकिन दोस्तों, जिन देश में ये सभी चीजें खाई जाती हैं, उन सभी के लिए ये सारी चीजें किसी शाही पनीर से कम नहीं है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इंडिया में रहते हैं, जहाँ पर ऐसी सबसे बियर्ड चीजें खाई नहीं जाती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही पांच सबसे घिनौनी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो दुनिया के बाहर बड़े चाव से खाई जाती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जो नए दर्शक हैं, वो हमारे चैनल मल्टीपल द गुरुजी को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आप देख सकें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। नंबर एक, बर्ड नेस्ट सूप। दोस्तों, 400 साल पहले से चाइना में बनाई जा रही या दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सूप में से एक है, और ये एडिबल बर्ड के नेस्ट से बनाई जाती है, जिसे चाइना के लोग कैवियर ऑफ द ईस्ट के नाम से बुलाते हैं। और इसकी प्राइस $2500 से लेकर $10,000 तक हो सकती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सूप आखिर इतना महंगा क्यों है, तो बता दें आपको, दरअसल इसे बर्ड नेस्ट सूप बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये बनता ही है स्विटर बर्ड के नेस्ट से, जिसमें तीन स्विटर बर्ड रेड, ब्लैक और व्हाइट के स्लाइवा और पंख होते हैं। और ये पक्षी पहाड़ों पर काफी ऊंचाई पर पाया जाता है, और इसे वहां से उतार कर लाना और इसकी कठिन साफ सफाई का रिजल्ट है इसकी प्राइस। और इसे अच्छे से साफ सफाई करने के बाद बड़े ही चाव से खाया जाता है, यानी कि चाइना के लोग अब झींगा बिच्छू और कुत्ते बिल्ली इन सभी से ऊपर उठकर पक्षियों का थूक पीना पसंद कर रहे हैं। नंबर दो, कोकोनट वार। एक प्रकार का सबसे घिनौना कीड़ा, लेकिन वियतनाम में खाई जाने वाली और वहाँ की सबसे प्रचलित डिश में से एक है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और यह नारियल के पेड़ में पाई जाने वाली एक प्रकार की इल्ली है, जो बड़ी होने के बाद नारियल के पेड़ को पूरी तरह बर्बाद करने में सक्षम है। इसे बनाने से पहले इसे अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, उसके बाद मछली के सॉस में लाल मिर्च और लहसुन डालकर परोस दिया जाता है, और आपको ये इल्लियां तैरती हुई नजर आ जाएंगी। लोग इसे चिली सॉस के साथ बड़े ही चाव से खाते हैं। और दोस्तों, हम लोगों के लिए ये तो बहुत ही गंदा है, और कितने लोगों को इसे देखने के बाद उल्टी तक आ गई होगी। नंबर तीन, सेंचुरी एग। दोस्तों, सेंचुरी एग नाम से लग रहा होगा कि ये 100 साल पुराना अंडा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ये 100 साल पुराना अंडा है और ना ही हड़प्पा की खुदाई से निकला है। बस इतना है कि चाइना में खाए जाने वाली सबसे घिनौनी चीजों में से यह चाइना वालों का सबसे घिनौना शौक है, और ये एक प्रकार का चिकन और डक का सड़ा हुआ अंडा होता है, जिसे चाइना के लोग मिट्टी, राख, नमक और चूने के मिश्रण में लपेट कर एक महीने के लिए रख देते हैं, और एक महीने बाद इसका नजारा आप सभी के सामने मौजूद है। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जब इसे निकाला जाता है तो इसमें से सल्फर और अमोनिया की बड़ी तेज दुर्गंध आती है। अब क्या कहें दोस्तों, चाइना वालों के सबसे अजीबो गरीब शौक। नंबर चार, कॉफी लॉक। दोस्तों, सुबह उठते ही अगर लोगों को कॉफी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में कॉफी नहीं बल्कि चाय का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, हम विदेशों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कॉफी की दीवानगी भारत की चाय की ही तरह है, और ऐसी कॉफी बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर बहुत सारे
रिसर्च करती रहती हैं और उसी में से ये है साउथ ईस्ट एशिया में एक कंपनी की सबसे घिनौनी कॉफी, जिसे बनाने का तरीका आपको हैरान कर देगा। यह कंपनी कॉफी उगाने के बाद कच्ची पकी बेरियों को वहाँ के क्यूएट नाम के जानवर को खिला देते हैं, जो कि उसके पेट में पूरी तरह पच जाता है। और फिर क्या, ये देखिए, समझ में आया होगा कि आखिर ये है क्या सबसे फेमस कॉफी। अब दोस्तों किसी को ये बात बताना भी मत, वरना तो कंपनी के लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। नंबर 5, व्हाइट आंट एग सूप। दुनिया में हर जगह पर सूप का तो डिमांड बहुत ही ज्यादा है और सूप को तो वैसे पूरी तरह बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पूरी तरह हेल्दी माना जाता है, लेकिन ये सूप दोस्तों बड़ा ही घिनौना और गंदा सूप है, जो इसमें मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की वजह से हो जाता है। लाओस नाम के देश में यह सूप बड़ी ही फेमस है और लोग इसे बड़े ही चाव से पीते भी हैं। दरअसल इस सूप को बनाने के लिए चींटियों के अंडों का मिश्रण, जिसमें कुछ भाग सफेद चींटियों के एम्ब्रॉयज का भी रहता है, और इसे खट्टा करने के लिए इसमें कुछ लाल चींटियों के बच्चों को भी मिला दिया जाता है, और स्वाद में यह किसी श्रिंप की तरह होता है। अब दोस्तों मुझे तो नहीं पता आखिर श्रिंप का स्वाद कैसा होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही सबसे अजीबोगरीब वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।